हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कल का टारगेट कंप्लीट किया है, और अगर आप लोगों ने कल का टारगेट नहीं भी कंप्लीट किया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज है हम लोगों का टारगेट डे 08, और इसके बाद आप लोगों को एक दिन का गैप मिलेगा। वो जो गैप है वो इन्हीं कामों को पूरा करने के लिए है कि अगर आपका कुछ टारगेट में से रह गया है, या मान लो इस टारगेट में से आप कुछ चीज़ें पूरा नहीं कर पाए हो, और इसके साथ साथ जो ये दो टारगेट हुए हैं उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि चार दिन टारगेट दो, मैं आप लोगों को बता दूं इन तीन टारगेट में ही चार दिनों का काम शामिल है, और आपके सर पे लोड भी नहीं पड़ रहा है, और आपके दिमाग को ये भी नहीं लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। और एक बात याद रखो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन की सोचना भी मत, और दिमाग को रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लगभग सारी कोचिंग्स में कमी है कि वो बच्चे को रिवीजन का टाइम नहीं देते हैं, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। बच्चों के सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। अगर आप लगातार पढ़ते रहते हो देन आप लोग ये मत समझना कि आप बहुत ज़्यादा धुरंधर हो गए हो। जब तक आपके दिमाग में चीज़ें घुसेंगी नहीं तब तक आपके पढ़ने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, पीछे की चीज़ें आप भूलते चले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए आप लोगों को अगर दो दिन टारगेट कंप्लीट किए हैं तो तीसरा दिन आपको उस चीज़ को रिवाइज करना है। जो भी चीज़ें बचती हैं उन चीज़ों को आप रिवीजन करें, अपने दिमाग में घुसाएं, और इसीलिए हर हफ्ते आपको रिवीजन का टाइम दिया जाता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि 24 आवर के अंदर, जैसे मान लो आपने आज पढ़ा, और अगर आपने 24 आवर के अंदर या 12 घंटे के अंदर आपने उस चीज़ को दोबारा पढ़ लिया है तो आपका माइंड उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगा। फिर वो चीज़ आपने 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा रिवाइज कर ली है तो फिर वो और अच्छे से याद हो जाएगी, और अगर आपने उस चीज़ को एक हफ्ते और याद कर लिया, मतलब एक हफ्ते बाद फिर देख लिया है, तो फिर वो चीज़ें आपके दिमाग से जाना बहुत मुश्किल होंगी। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी है, इस तरह से अगर आप लोग याद करते चलेंगे तो आपके दिमाग को याद रहेगा कि आपने पढ़ा क्या था। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, जो सब कोचिंगों में हो रहा है, और इसी वजह से सिलेक्शंस दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। और उसका रीज़न एक ही है कि भैया पढ़ते जाओ नोट्स बनाते जाओ, ये वाला बैच पढ़ो और ये वाला बैच पढ़ो, और फिर इस साल भी मैथ्स का बैच पढ़ रहे हो, अगले साल भी मैथ्स का बैच पढ़ रहे हो, फिर उससे अगले साल भी, ये क्या है? अगर आपने एक बार सही से पढ़ा होता और नोट्स बना लिए होते तो आपको 10 बार या 1000 बार पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती, ये बताओ। क्या जरूरत है हमें 10 बार पढ़ने की यार? नंबर सिस्टम एक बार पढ़ लिया, और अगर कोई बच्चा उसका बार बार रिवीजन करता है तो क्यों वो दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ेगा, मुझे ये बताओ। अगर एक एग्जाम के लिए आपने पढ़ा है, भले ही मैं ये तो कहता हूं कि हाँ भाई, जैसे मान लो अब UPSC के लिए है नंबर सिस्टम करना है, और अभी आपने पढ़ रखा था रेलवे या SSC लेवल का, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और ऊपर करनी पड़ सकती हैं। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो गया, बस आपको थोड़ा सा अपना और टाइम देना है, और आप UPSC लेवल का भी कर लेंगे, CAT लेवल का भी कर लेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ी हुई बेकार तब होती हैं जब आप रिवीजन का ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा एक बच्चा जो है वो ये कह रहा था, मैं ज़्यादा तो आज बात नहीं करूँगा, कल शायरी डाली थी, आप लोगों को पता है कल परसों एक शायरी डाल दी थी मैंने ऐसे ही, तो वो कह रहा था कि भैया ये शायरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्ज़ाम, हमारे एग्ज़ाम की डेट। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी लाइफ और मेरी लाइफ में डिफरेंस है, ठीक है? जो आप हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो आप नहीं हो, इसलिए आप मुझे अपने से कंपेयर ना करें। और मेरी भी अपनी एक लाइफ है, मेरा भी अपना सब कुछ है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, भाई मेरी भी अपनी लाइफ है, उसको भी जीना है, और मुझे जब जो मन करता है मैं वो करूँगा, ये मेरी कोई बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है, कि आप जो कहोगे मैं वो कर रहा हूँ। भाई मेरा भी मन है, मेरा मन करता है कि मुझे डालनी है शायरी तो मैं शायरी डालूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं रील्स बनाऊंगा तो भी रील्स बनाऊंगा, ठीक है? इस चीज़ पर आप मुझ पर बाउंडेशन मत लगाइए प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, आपका इस चीज़ से मतलब नहीं है, आपका मन नहीं करता है ठीक है, तो मत छोड़ दीजिए, आप अपने काम की कंटेंट देखो। स्मार्ट बच्चे वो हैं जो अपने काम की चीज़, जो काम, अब मान लो मैंने कोई चीज़ बोली आपको अच्छी नहीं लगती, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, हटाइए, ये स्मार्ट बच्चे। और दूसरा बच्चा क्या करेगा, मुझ पे उंगली उठाने की कोशिश करेगा, मतलब जो बेवकूफ़ बंदा, आप उंगली मत उठाइए, अगर आपको बुरा लगता है आप छोड़ के चले जाइए, बात खत्म हुई। अगर मैंने शायरी डाली आप उस पर कमेंट मत करिए, उस पर लाइक मत करिए, बात खत्म। आप मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो यार? आप मेरी सिचुएशन में आके देखो, आपको पता लगी, भाई मुझे पता है मैं ड्यूटी कर रहा हूँ क्या है, अगर मुझे खुशी के पल मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है शायरी डालना, मैंने शायरी सुनी मैंने डाल दी, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आई होप कि आपको होनी नहीं चाहिए। और वैसे तो देखने वाले की बात है, अगर आप उस शायरी को भी पढ़ोगे, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे सिर्फ अपनी जॉब दिखेगी, ठीक है, और किसी को लड़की दिखेगी। अपनी अपनी सोच है, जैसा आपका मन करता है वैसे करिए, लेकिन प्लीज़ मुझ पर ब्लेम मत करिए, मैं जैसा मन करेगा मैं करूँगा, मेरा मूड है, आपको क्या पता कि साला
मैं अभी एक घंटे पहले रो रहा था, उसके बाद मैं अब आपके सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब आप मेरी सिचुएशन को कैसे जान सकते हैं। और लाइफ में देखो एक बात याद रखना, सक्सेसफुल होने का मतलब कभी ये नहीं है कि आपने नौकरी पाली तो आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। नौकरी और सक्सेसफुल होना कोई मतलब इन दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ या कोई IAS बन गया। जिंदगी को आप इस दुनिया का सामना करना ही सफलता है, अगर आप इस दुनिया का सामना अच्छे से कर पा रहे हो ना। भाई आपने सुना कि एक IAS ने क्या कर लिया, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, ठीक है। सब इंस्पेक्टर थे कोई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ये क्या है, इस चीज को आप सफलता कहोगे मतलब क्या भाई। तो हर किसी मतलब आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना आ गया है तो आप समझ सकते हो कि आप सफल इंसान हो। आपके सामने 10 तरह की सिचुएशंस आएंगी, रोने की परिस्थितियां आएंगी, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, लेकिन आप उसमें भी डटे रहोगे, खड़े रहोगे, तो वो है सिचुएशन को हैंडल करना सफलता। मतलब आप दुनिया से लड़ पा रहे हो, उसको बोलते हैं सफलता। हर तरह का बंदा मिलेगा आपको, ताने मारने वाले मिलेंगे, सब करने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको पता है ना कि आपका क्या लक्ष्य है। तो उन चीजों को आप भूल जाइए, इस चीज को छोड़िए कि मैं क्या डाल रहा हूं, कोई क्या कर रहा है। आपको एक सफल इंसान बनना है तो सिर्फ नौकरी के पीछे ये नहीं कि भैया हमें नौकरी, आप दुनिया को भी जानिए, देखिए कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल। आप एक बात आओ, ये वाली जो 3 साल की सिचुएशन है हम जो झेल रहे हैं, आप लोग जो झेल रहे हो, कई लड़के होंगे जो सुसाइड कर लेंगे कि भैया 3 साल हो गए मेरी तो नौकरी नहीं लगी, मेरे तो घर वाले। और आप लोग अगर बने हो, खड़े हो, तो इसका मतलब आपके अंदर जज्बा है, आप जिंदगी को जीना सीख रहे हो। भाई सिचुएशन तो आएंगी लाइफ में, जैसी ये सिचुएशन, इससे भी बुरी बुरी सिचुएशन आएंगी, तो क्या आप छोड़ के भाग जाओगे। चलिए बहुत लंबा हो गया, चलो यहाँ सुनो, ठीक है, बार बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। देखो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 3 दिन में ही मैं 4 दिन से ज़्यादा का टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करा दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या है। और एक चीज़ ये कि जो ये करंट वाला पार्ट है, बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं इस पार्ट को ज़्यादा सीरियस, देखो जितनी चीज़ें करवाई, मेरा मानना हमेशा से है कि भाई देखो करंट पढ़ोगे तो उसमें कुछ भी उम्मीदें नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, लेकिन हम कम से कम इतना तो करके जाएं जिसकी आने की पॉसिबिलिटीज़ है, हम उतना करके जाएंगे। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को करंट का लगभग सब कुछ करा दे रहा हूँ, जिससे आपको NTPC, UP पुलिस और भी जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कम से कम इतना ज़रूर आप लोग कर लीजिए, और अगर आगे भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको पता रहेगा कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो इतनी चीज़ें तो आप लोग करते चलिएगा, बाकी इस चीज़ से ज़्यादा ध्यान मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नीचे के जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इन पे हमें मेन फोकस करना है। इसका बस हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट करना है, क्योंकि यहाँ मेहनत बहुत करनी है और हमें आउटपुट बहुत कम मिलेगा। चलिए रिमेनिंग ब्रांड एम्बेसडर, जो लास्ट पार्ट में आपने देखे ब्रांड एम्बेसडर मैंने आप लोगों को बताया, उसके रिमेनिंग जो बचे हैं, अभी बचे हुए ब्रांड एम्बेसडर हमें करने हैं। और त्यौहार महोत्सव और सम्मेलन जितने भी 2021 में, अब आप लोगों को पता है कि भाई बेदिन खलन महोत्सव हुआ, आपसे पूछ सकता है कि बेदिन खलन महोत्सव कहाँ का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है। इसी तरीके से मान लो भाई कहीं पे 12 साल बाद यात्रा होती है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो यात्रा कहाँ होती है। इसी के साथ कुंभ मेला, मान लो अगर कुंभ सेलिब्रेट हुआ, मान लो कि भाई चलो 2019 में कुंभ सेलिब्रेट हुआ, या इस साल कोई त्यौहार सेलिब्रेट हो रहा है जो लगभग 6 साल 12 साल बाद आता है, तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी त्यौहार महोत्सव सम्मेलन हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, इसके बताएंगे। इसके अलावा भाई इलेक्शन चर्चा वाला टॉपिक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, सारे CM, क्योंकि 5 CM चेंज होंगे, तो सारे के सारे CM, सारे के सारे आपके राज्यपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, राज्यपाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं CM, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जो हमारी 5 इलेक्शन स्टेट्स हैं उनके राज्यपाल, उन स्टेट्स में कौन, 2 क्वेश्चंस तो मैं आपसे दे रहा हूं। पहले सबसे पहले आपको यह बताना है कि यूपी के अंदर कौन कौन सी मेजर पार्टीज हैं और उनके मुखिया कौन है इस टाइम पे, मतलब अध्यक्ष कौन है। जैसे कि BJP है, अध्यक्ष क्या मतलब आपको पता होना चाहिए किसकी पार्टी है वो, जैसे BJP है, ठीक है, उससे, और आपको पता होना चाहिए भैया सपा है, BSP है, तो आपको ये बताना है। इसके अलावा आपको बताना है पंजाब में कौन सी 2 उभरती हुई पार्टियां हैं, या कौन सी 2 पार्टियां हैं और उनके जो लीडर हैं मेन वो कौन है उस स्टेट के अंदर। ये 2 क्वेश्चंस आपको बताने हैं, अदरवाइज आपको 5 इलेक्शन स्टेट्स,
कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, और इन स्टेट्स की कैपिटल क्या है, कौन सीएम है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन राज्यपाल है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, ये आपको यहाँ से करना है। लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जैसे कि कल आपने राष्ट्रीय नियुक्तियां की, आज आपके पास अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का दिन है, इसके अलावा कल आपके पास पूरा दिन है, आप रटिए, टाइम है आपके पास, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर इन्हें कर लोगे तो ये मान के चलिए कि आपके नंबर फंसने के चांसेस हैं। बाकी तो जीके का सबको पता है कि क्या आ जाए क्या ना आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन हम इतना तो करके चलेंगे कि यार अगर आ जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ जाए तो वो हम कर पाएं। भारत एवं विश्व में प्रथम का पार्ट रह गया था, आधा पार्ट पहले करा दिया था, आधा पार्ट आप लोगों के लिए अब करना है, इस चीज को कवर करना। संविधान की अनुसूचियां आप लोगों को करनी रहेंगी, क्या करनी रहेंगी, संविधान की अनुसूचियां, तो ये चीज आप लोग करिएगा। साइंस की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम का लेक्चर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ये है तंत्रिका तंत्र, इसका लेक्चर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इस चीज को आपको करना है। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा, उसमें काफी सारे नाम सुने होंगे आपने, CaO, Cl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार क्या होगा, खाने वाले सोडे का नाम पूछ लेगा, धोने वाले सोडे का नाम पूछ लेगा, केमिकल नाम पूछ लेगा, फॉर्मूलाज पूछ लेगा, तो ये जितने भी नाम हैं ये आपको आने चाहिए। तो इसके जो है फॉर्मूला की लिस्ट मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें से आपको चीजें याद रखनी है, ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करना, बाकी तो हो ही जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि भाई इस टाइम पे वॉर भी छिड़ गया है, तो हर किसी के स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास कौन सी मिसाइल्स हैं, कितनी दूरी की हैं, क्या है, हमारा पहला सैटेलाइट कौन सा था, ये सारी चीज़ें चर्चा में आ गई हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप कवर करेंगे। और केमिस्ट्री का हमारा 9th वाली केमिस्ट्री निपट गई है, 10th की चल रही है, इसलिए केमिस्ट्री के जो 6 इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट पेज मैं आप लोगों को दूंगा। ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि लिखना सिर्फ उसको जो आपको ना आता हो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है सिर्फ उसी को लिखना, अदरवाइज आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक पेज आपको केमिस्ट्री का करना है। विज्ञान एवं उसके प्रभाव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को पता है डेली लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, मतलब आपके जो डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही हैं आसपास उससे रिलेटेड आपको पूछ लिया जाता है कि यहां कौन सा फॉर्मूला है, जैसे मान लो फव्वारे के ऊपर गेंद नाच रही है, तो ये किसके बेस पे है, स्यानता है या पृष्ठ तनाव है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कि मान लो चलती हुई साइकिल है उसमें घर्षण पीछे की तरफ लगेगा कि आगे की तरफ लगेगा, कैसे लगेगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो प्लीज इसको आप कवर करिएगा। बात करते हैं मैथ्स में, तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन के आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देख लिए होंगे, आई होप कि आपने कल डेसिमल फ्रैक्शन के बहुत अच्छे से एग्जांपल्स देख लिए हैं, और एग्जांपल्स करने के बाद आज आप लोग उसके प्रीवियस ईयर और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, साथ में एपी और जीपी एंड एचपी, ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं यार। देखो मैं सच बताऊँ, कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अदरवाइज मैं इन सबके लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि भाई टाइम मिल जाए तो, एपी जीपी का तो दूंगा ही, बहुत अच्छा सा लेक्चर और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और एचपी का पता है कि जो एपी है उसका उल्टा एचपी है, उल्टा का मतलब नीचे रिवर्स में करने का, ठीक है, चलो बताएंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना देख लीजिए कि एपी जीपी और एचपी आप लोगों को करनी है। एचपी से अपने यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एपी किसका उल्टा है या किसका रिवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। एपी और एचपी में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। रीजनिंग में बात करूं तो हम लोग नंबर सीरीज करेंगे, रीजनिंग में नंबर सीरीज, और एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम ऑल ओवर, ये नहीं कि रीजनिंग का सिर्फ, हम पूरा टेस्ट लगाएंगे एक जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। नंबर सीरीज में मैं आप लोगों को बता दूं तो सबसे पहले आज के दिन याद कर लेना, कम से कम 20 या 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए आप सब लोगों को, ठीक है, 20 या 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, ये आपके टारगेट में इंक्लूड है, लगभग याद ही होंगे सबको। और कम से कम 20 तक के या 15 तक के क्यूब याद कर लेना, इतना आप करोगे तो बड़ी आसानी से आप लोग 20-15 तक के भी कर लोगे तो हो जाएगा काम। और अब मैं बताऊं नंबर सीरीज में ट्रिक्स कैसे काम करती हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है जैसे ही नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि कोई स्क्वायर का लॉजिक, क्यूब का लॉजिक, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का लॉजिक तो नहीं है, सबसे पहले देखते ही पता चल जाएगा आपको। और अगर आपको दिखता है कि सीरीज में कहीं नंबर 2 बार आ गया तो इसका मतलब है कि इसमें सीरीज दोहराई गई है, मतलब इसमें 2 सीरीज हैं। अगर मान लो कहीं पर सीरीज में 3 बार नंबर आ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस सीरीज में
जो आपको श्रेणी दी है उसमें लगभग 3 सीरीज हैं, तो इसलिए इस तरीके से जो चलते हैं तो इस तरीके से आप लोग पता लगाएंगे। तो पहला जो लॉजिक है वो यही लगाना है आप लोगों को कि स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, ठीक है, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का लॉजिक तो नहीं लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, सम विषम संख्याओं का लॉजिक तो नहीं है, इसके अलावा 2 सीरीज तो नहीं है, 3 सीरीज तो नहीं है, ये अगर लॉजिक आपने पता कर लिए, फिर इसके बाद आप सेकंड लॉजिक जो लगाएंगे वो सेकंड लॉजिक लगता है गुणा प्लस माइनस का, मतलब किसी चीज में गुणा करके जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग लॉजिक लगाएंगे और फिर तो आगे जितने भी लॉजिक्स होते हैं आप लोगों को पता है कैसे कैसे लॉजिक क्या क्या है। और अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो उसके लिए ट्री मेथड अपनाया जाता है। ट्री मेथड का मतलब पता ही है, वही डिफरेंस निकालो और फिर डिफरेंस निकालते जाओ और पता चल जाता है, लेकिन वो डिफरेंस भी 2 नंबर सीरीज और 2 नंबर मतलब जिसमें 2 श्रेणी है 3 श्रेणी है उसमें ऐसे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ये देख लेना है मोटी मोटी आंखों से अपनी कि कहीं 2 नंबर दोहरा गए मतलब 2 सीरीज है, 3 नंबर दोहरा गए मतलब 3 सीरीज है, समझ आ गई ना, इस तरीके से पता लगा लेना कि 2 नंबर की सीरीज तो नहीं है, 3 नंबर की सीरीज तो नहीं है। चलिए तो फिर इतना जरूर से जरूर करिएगा, मिलेंगे फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी ये चीज़ तो रही गई, इसमें आप लोगों को एसिड और बेस वाला जो चैप्टर है, कौन सा, एसिड एंड बेस, इस चैप्टर का शायद ये जो है आप लोगों का एसिड और बेस एनसीईआरटी क्लास 10th ये छूट गया है, मतलब इसका जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी 10th का, इससे आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ उनको करने से पहले आप लोग थ्योरी कवर करेंगे एसिड और बेस की, और फिर अगले हफ्ते हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पढ़े रह गए हैं 9th के भी और 10th के भी, और वो इसलिए कि जिससे कि आपको अब तक रट गई होगी थ्योरी तो आप क्वेश्चंस तो फिर कर ही लेंगे। तो गाइज पहले आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, तो एसिड एंड बेस वाले चैप्टर को आपको पढ़ना है, इसका हाफ चैप्टर आप पढ़ लेना, उसके बाद हाफ चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, कैसे पहचान करोगे, ठीक है, और लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, और अम्ल के साथ कैसा होता है, कितनी से कितनी पीएच वैल्यू तक अम्ल बोलते हैं, पीएच स्केल की रेंज क्या है, 0 से 14 ऐसे, ठीक है, 0 से 7 तक किसकी है, अम्लों की है, फिर 7 पे किसका है, उदासीन विलयन है, 7 से 14 क्या है, ये अगर आप लोगों को पता है तो आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस को निपटा पाएंगे। बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, वही चीज़ें हैं कि चींटी के डंके में क्या पाया जाता है, नेटल के डंके में क्या पाया जाता है, तो हाफ चैप्टर करना है, आप लोग इतना कर लीजिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, टेक केयर।